नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकरण, सहायक आचार्य EFM श्री राधेश्याम आर मुरारका, गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर फर्स्ट EFM पेपर प्रथम में व्यवसायिक अर्थशास्त्र, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या प्रथम में आज अध्ययन करेंगे व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, और व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र की क्या भूमिका है। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विशेषताएं क्या हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र और उसका महत्व क्या है। इसी क्रम में आगे हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जो कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र के स्कोप में शामिल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यवसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पार्ट है। इसी क्रम में अपना टॉपिक है आज बहुत ही महत्वपूर्ण व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये प्रश्न आपके विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अधिकतर बहुत बार आया है, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं उपयोगी होगा। कोई भी प्रश्न करने से पहले हम उसकी भूमिका का अध्ययन करते हैं और बाद में उसकी परिभाषाएं, उसके निष्कर्ष के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी क्रम में हम व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। अब बात करें हम यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत एवं सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें विशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट फर्म और विशिष्ट उद्योग सम्मिलित हैं। या अपने ऐसे भी कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सूक्ष्म इकाइयां होती हैं, सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के आयाम सम्मिलित हैं। अगला है इसी क्रम में समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में ज्ञान की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम बात करें तो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग और सामान्य लागत का अध्ययन इसमें सम्मिलित है। अब हम मेन टॉपिक पे बात करें कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। कोई भी प्रश्न करने से पहले हम उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से एग्ज़ाम में करने से अपने को 6 मार्क्स मिलते हैं और थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो एक टेबल के माध्यम से हम इसके अंतर को जानेंगे। इसमें तो लिखेंगे बेस या अंतर का आधार। दूसरा है व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। मैं इसके अंतर के आधार को लेके करूँगा। पहले तो बात करते हैं इसके अंतर के आधार में अर्थ। अर्थ में व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है या लघु इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें सूक्ष्म या व्यक्तिगत इकाइयां। या
सूक्ष्म। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। दूसरे अंतर के आधार की हम बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र की बात करें तो इसका क्षेत्र सीमित है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र व्यापक है, क्योंकि इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था आती है तो इसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है। इसी क्रम में आगे हम बात करें अंतर के आधार में रिलेशन संबंध की। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत विश्लेषण से होता है। प्राइस एनालिसिस से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध आय विश्लेषण से होता है, इनकम एनालिसिस से होता है। ये भी के इसका एक मुख्य अंतर है। आगे इसमें पॉइंट्स भी लगा सकते हैं, क्रम संख्या बिंदु 1, बिंदु 2, बिंदु 3। आगे हम इसी क्रम में व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो चौथा पॉइंट आ गया व्याख्या। व्याख्या मतलब यहाँ पर एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें होता है इसकी व्याख्या व्यक्तिगत फर्म उद्योग और भी व्यक्ति की टिकाया इसमें सम्मिलित है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव की बात करते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव इसमें सम्मिलित है। इसमें विशिष्ट फर्म उद्योग के उतार चढ़ाव और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करें तो बिंदुवार क्षेत्र व्यक्तिगत इकाया संबंध और व्याख्या। आगे हम बात करें नियम, बिंदु संख्या नियम कि व्यष्टि अर्थशास्त्र कौन से नियम पर आधारित हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कौन से नियम लागू हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि मैंने आपको बताया सीमांत विश्लेषण एक अतिरिक्त इकाया इसमें सम्मिलित हैं। आगे हम यूटिलिटी एनालिसिस में सीमांत विश्लेषण का विस्तृत तरीके से अध्ययन करेंगे, जबकि इसका क्षेत्र व्यापक होने से ये किसी पर भी आधारित नहीं है, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, व्यापक है, वाइड एरिया है। तो इसकी वजह से व्यष्टि अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है। ये मुख्यतः एक ही प्रकार के विश्लेषण पर आधारित होते हैं। सहायक छठा पॉइंट की हम बात करें बिंदुवार में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों तथा उद्योगों की अनुकूलतम स्थिति पहुंचाने में सहायक होते हैं। इसमें उद्योग और व्यक्ति की अनुकूलतम स्थिति की जानकारी या अनुकूलतम स्थिति का अध्ययन करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अनुकूलतम स्थिति की जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन दोनों में अंतर ये हुआ, इसमें उद्योग फर्म और विशिष्ट फर्म की अनुकूलतम स्थिति को जानते हैं, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अनुकूलतम स्थिति को। आगे इसी क्रम में हम बात करें उपयोग। एक व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म की नीति निर्धारण में सहायक होते हैं। किसमें होते हैं, नीति निर्धारण के अंतर्गत। व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्म की नीति निर्धारण में सहायक है। और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतया राष्ट्रीय आय में या संपूर्ण जगत में या संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सहायक होते हैं। महत्व है, वर्तमान परिवेश में इसका महत्व कम है। इम्पोर्टेंस क्या है, पॉइंट आ जाएगा इसमें, महत्व इसका महत्व कम है और इसका महत्व अधिक है। इस प्रकार
व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्वहन करते हैं, जिसमें मुख्यतया ये बिंदु है। आगे हम इसी पॉइंट की बात करें कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में और क्या क्या अंतर है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंतर का आधार ले लेते हैं सरल। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र सरल है या समष्टि अर्थशास्त्र? व्यष्टि अर्थशास्त्र इसकी तुलना में अधिक सरल है, जबकि ये अधिक कठिन है। क्यों? क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसकी वजह से महत्वपूर्ण है। और लास्ट विषय है, लास्ट बिंदु की बात करें, विषय। इसका विषय क्या होता है? संकुचन होता है। इसका विषय व्यापक होता है, इसमें वस्तुओं सेवाओं के मूल्य से संबंधित होता है, और ये मुख्यतः अधिक कठिन और जटिल होने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की में अंतर के बारे में सार के रूप में मैंने आपको बताया, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। आगे हम बात करें व्यावसायिक निर्णय में, व्यावसायिक निर्णय में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस डिसीजंस द रोल ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर्वप्रथम बात करें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यावसायिक निर्णय में क्या उपयोगिता है या उसकी क्या भूमिका है, इसको हम उपयोगिता भी बोल सकते हैं। उपयोगिता में व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे मैंने आपको बताया, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन होता है, सूक्ष्म इकाइयों में मुख्यतया महत्वपूर्ण है। तो पहली तो उपयोगिता होगी आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझने में सहायक। आर्थिक व्यवस्था जो है आर्थिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली का मतलब हुआ जो भी देश के अंदर आर्थिक व्यवस्था है, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था संबंध है, इसकी अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। आगे इसी क्रम में आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में भी सहायक होती है। आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में सहायक, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है या महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होती है। तो इसलिए आर्थिक नीतियों के विश्लेषण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगले हम बात करें भविष्यवाणी, भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान में सहायक। भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान में व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। क्यों? भविष्य में होने वाली घटनाएं या पूर्वानुमान व्यावसायिक अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। आगे मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान में डिमांड फोरकास्टिंग, मांग विश्लेषण एवं पूर्वानुमान में भी सहायक। मांग विश्लेषण, मांग वह होती है जिसमें किसी वस्तु की प्रभावपूर्ण इच्छा मांग कहलाती है, जिसमें मांग विश्लेषण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपयोगिता भूमिका होती है और ये महत्वपूर्ण होती है। और अगली हम बात करें उपयोगिता लागत एवं उत्पादन में, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण, लागत एवं उत्पादन विश्लेषण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लागतें कई प्रकार की होती हैं। आगे के चैप्टरों में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे शॉर्ट टर्म लागतें कौन सी हैं और दीर्घकालीन लागतें कौन कौन सी हैं। तो इसी क्रम में आगे हम कीमत निर्णय नीतियों में व्यवहार, कीमत निर्णय एवं नीतियों में व्यवहार में भी
व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका है, किस प्रकार से प्राइस डिटरमिनेशन करते हैं। इसमें हम मार्केट के चैप्टरों में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण तरीके से भूमिका का निर्माण होता है। आर्थिक कल्याण की जांच, आर्थिक कल्याण की जांच, आर्थिक कल्याण की जांच में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण उपयोगिता है। आर्थिक कल्याण, सोशल वेलफेयर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती हैं। और भी हैं लाभ प्रबंध, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आठवां पॉइंट की हम बात करें तो लाभ प्रबंध, प्रॉफिट का मैनेजमेंट किस प्रकार से करें, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है व्यष्टि अर्थशास्त्र की उपयोगिता है कि किस प्रकार लाभ को मैक्सिमम करें, किस प्रकार लाभ को अधिकतम करें। रेखीय प्रोग्रामिंग में भी, रेखीय प्रोग्रामिंग में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि रेखीय प्रोग्रामिंग के आधार पर भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। भारी समस्याओं का विश्लेषण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की भूमिका होती है। भारी समस्याओं के विश्लेषण में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका या उपयोगिता होती है। इसी प्रकार व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों में व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका एवं उपयोगिता है, जो कि बिंदुवार हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। आगे हम इसी क्रम में अध्ययन करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के कौन कौन से प्रकार हैं और समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण रूप से कितने प्रकार के होते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यावसायिक निर्णय में किस प्रकार इसकी भूमिका होती है। इस वीडियो में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की पढ़ी और आगे हम समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़ेंगे और समष्टि अर्थशास्त्र की व्यावसायिक निर्णय में किस प्रकार की भूमिका या उपयोगिता होती है। ये प्रश्न आपके फर्स्ट यूनिट का अंतिम क्वेश्चन होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी है, क्योंकि प्रथम यूनिट मुख्यतया दो चैप्टरों पर निर्भर है, जिसमें हमने सभी प्रश्नों का ई व्याख्यान के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरह से समझाया। और लगभग चार प्रश्न हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न मैंने आपको कराया कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र क्या है, व्यावसायिक अर्थशास्त्र की प्रकृति।